नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज फिर से आपके बीच में किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। कुछ किसान मित्र बीड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ और वीडियो बनाकर भेजी है अपने पास। आइए समझते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियों से वो बाहर निकले हुए और आज क्या स्थिति है। पहले तो किसान ने जो रिकॉर्डिंग भेजी है, जो फोटो भेजे है, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने कुछ पौधा लगाया अपना अरेबा प्लस का, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। बीड़ में माजल गांव करके गांव है, वहाँ पे पहली बार इन्होंने पिछली बार केला लगाया था और इनको बी किसान से गाइडलाइन मिली थी। उसके बाद में खुद अपना रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर का पौधा खरीद कर इन्होंने पिछले साल लगाया, लेकिन अगस्त में पौधा लगाने के बाद में काफ़ी सारी आपदाओं से इनको लड़ना पड़ा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो बंच एकदम दिखाना चाहूंगा, एकदम बढ़िया और प्रीमियम आए हैं। इसमें ये जो बंच आया हुआ है, इसमें कुछ किसान मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बंच है इसमें तने की मोटाई नापकर उतना भाग देकर इसमें पंजे रखने हैं, मतलब नीचे में यहाँ से पंजे को कम करते करते जाना है। ठीक है, आगे और दिखाता हूँ मैं आपको कि सर ने क्या क्या भेजा है अपने लिए। काफ़ी पहले सर को सुन लेते हैं। हेलो गणेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, ये आपसे ही मैंने रेवा प्लस का 5000 प्लांट लगाए वाला है और 5000 मेरे पास जैन का भी लगाया है, ऐसा टोटल 10000 के लिए लगाया था गए साल। 15 अगस्त का प्लांटेशन है इसका और पुराना जो है खोड़वा तो वो गए साल का है 3000, ऐसा टोटल 13000 के लिए है मेरे पास। तो आज देखा जाए तो ये सभी की पोजिशन ऐसी है। मैं संजय देशमुख, बीड डिस्ट्रिक्ट, तालुका माजलगांव, किट्टी आड़गांव से हूँ, वहाँ मेरी खेती है। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बारिश जब गिर रही थी तो आपने जो मुझे सब बताया कि क्या क्या करना है क्या क्या, ऐसा लग रहा था कि बारिश में पूरी केली पानी में गई थी। और आपने जो मेरे को ट्रीटमेंट बताई, बलराम भाईनी भी मेरे को बहुत बताया, हर वक्त मैं उनको रोज़ फ़ोन करता था, सब फ़ोन उठाए उन्होंने और मेरे को बोले थे कि वो ब्लीचिंग का एक ट्रीटमेंट दिया, आपने भी दिया और बलराम भाई ने भी दिया, उसके वजह से ये आज कंडीशन है प्लांट की। नहीं तो मैंने तो छोड़ दिया था कि अभी कुछ होता नहीं, क्योंकि पूरी के पूरे केले की पेड़ जो है पूरा पानी बोले तो नदी के सरीके अंदर गए थे, लेकिन बाद में पानी बाहर निकालने के बाद जो ब्लीचिंग का ट्रीटमेंट हुआ और बाद में जो आपने ड्रेंचिंग दिया, तो इसके वजह से आज ये केले के देखो आप देख रहे हो, जो मैंने आपको भेजा है वो देखो कि आज भी कम से कम 15-13-14 ऐसी फनी आ चुकी है और सभी 13000। खोड़वा भी एकदम नंबर एक है, उसका भी मैं वीडियो डालता हूँ और शुरू से क्या क्या पोजीशन थी मेरी इसकी, तो मैं आपको उसका वीडियो डाल देता हूँ जी। ये आपके मेहनत का फल है सर, और कुछ किसान मित्रों को मैं इनके पिछले वाले वीडियो दिखा देता हूँ जो इतना पानी भर गया था इनके खेत में। यहाँ से पानी के लिए का टाइम लगा जला घंटा आधा घंटे पूरा केला, मतलब पानी घंटे तो लंग तो पानी खाली होई ना से पानी के लिए उसमें पानी था। उसके बाद में इन्होंने बात करी सारे मोटर के वो किसान से इनको सजेशन मिला, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हर बार हर 8 दिन में या 15 दिन में पौधा लगाने के बाद में आपको हम लोगों से बात करनी पड़ेगी, ताकि उसमें से कुछ ना कुछ रास्ते निकल कर आएंगे, आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता ही है। ये मेरे पास हो सकता है या हमारे टीम में किसके पास हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में पौधे को जीवंत रखना काफ़ी मेहनत आपने करी है आपके खेत में, और इसका फल मैं किसानों को दिखाना चाहूँगा कि आज के डेट में इसका फल है।
ये अभी इन्होंने जो अभी वीडियो डाले हैं अपने पास, ये वाले, ये इसी खेत का है। तो किसान हर बार रुक कर बात करे और जो भी समस्या आई है उस समस्या का समाधान कैसे हम लोग करें, इसके ऊपर ही किसान पाठशाला हर किसान के साथ में चल रही है। और समय समय पर आपको गाइडलाइन देने का काम यहाँ से हो रहा है। गाइडलाइन के लिए मैं बोलना चाहूँगा किसान मित्रों के लिए, 94-257-38-222 ये नंबर पे आप फ़ोन कर कर गाइडलाइन ले सकते हो। 94-257-38-222 ये BFS गाइडलाइन के लिए आपका आपके पास नंबर रखिए। दूसरी बात, अगर आपको सुक्रोज वगैरह ऑर्डर करना है तो 94-245-38-222 ये नंबर पे आपको बात करनी है। तीसरी बात मैं बताना चाहूँ कि अभी इसमें इस कंडीशन में इसमें बंच मैनेजमेंट आपको करना है ये अवस्था में, और इसके ऊपर VM स्प्रे करना है मट्टी और वाइशोनोमिटा का बंच मैनेजमेंट कर। ओके ठीक है, थैंक यू भारत। VM स्प्रे की रेसिपी अगर मैं बताना चाहूँ तो 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम वाइसोनोमिटा, ये 24 से 36 घंटे रखना है और कपड़े से छानकर इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। कई सारे मित्रों के रिजल्ट आए हैं, माल कटिंग होने से पहले 10 दिन पहले इसको नॉर्मल पानी से धो देना है। जब माल दिखाना है उसके 10 दिन पहले तो प्रीमियम क्वालिटी वाला बंचेस जो देखने वाला है, जो आंखों से खाने वाला है उसको, पहले उस व्यक्ति को वो चीज़ दिखानी है जो उसको चाहिए। ओके थैंक यू भारत। और कुछ रिपेयर करना हो तो आप मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उस पर आप बातें कर सकते हो, गाइडलाइन ले सकते हो। थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।